हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5G स्मार्टफोन, मतलब कि चीपेस्ट स्मार्टफोन जो आपको कम प्राइस रेंज में, मतलब 4G स्मार्टफोन की प्राइस रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर मैं आज इसकी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं अंडर 20,000 के समथिंग, ये सभी स्मार्टफोन्स आपको इंडियन मार्केट के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक लिस्ट रेडी की है जहाँ पर मैं कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ यहाँ पर एक दो अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं जिनका वेट कर सकते हो अगर आप 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो किसी स्पेसिफिक एक अंडर 20,000 के समथिंग, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए तो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लास्ट में देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं कुछ जो फिलहाल करंटली मार्केट में रन कर रहे हैं, जो फिलहाल चल रहे हैं स्मार्टफोन्स, फिलहाल जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, यहाँ पर मीट एन आई की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6.7 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है, 6 और 128 GB की रोम देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको 108 MP का क्वाड रियर कैमरा, जहाँ पर आपको 8 2+2+ और 16 का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और लगभग 4820 लगभग 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 214 ग्राम का ये वाला स्मार्टफोन है और 9mm की थिकनेस के साथ आता है, और ये जो पंच होल कैमरा के साथ में ही देखने को मिलता है, और इसका जो प्राइस है लगभग 21,999 ऑलमोस्ट 22,000 के समथिंग इसकी प्राइस की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर ये वाला स्मार्टफोन है, लास्ट में बताऊंगा इनके बारे में, जो मैंने बताया आपको 20,000 के अंडर देखने को मिलते हैं, ये कैसे देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बात कर लेता हूँ सर दूसरे स्मार्टफोन की, यहाँ पर आता है आपको मोटो G5G, जिसके अंदर सेम 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 750G है, एंड्रॉइड 10 पे रन करता है, और यहाँ पर 4GB 128GB के साथ में देखने को मिलते हैं वाला स्मार्टफोन। इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आप एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी को, मेमोरी स्लॉट अलग से देखने को मिलता है स्मार्टफोन्स के अंदर, 48+8+2 MP का रियर और फ्रंट में 16 MP का, 5000 mAh की बैटरी, 212 ग्राम का ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। ऐसे ही बात करूँ 10.10 mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट 21,000 से इस स्मार्टफोन की प्राइस स्टार्ट होती है और पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। ऐसे ही नार्जो 30 प्रो की बात कर लूँ तो 800U, मतलब कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको UI, मतलब रियलमी का UI 1.0 एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है, बहुत जल्दी स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड UI रियलमी का UI 2.0 विद एंड्रॉइड 11 के साथ में बहुत जल्दी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन के अंदर, और यहाँ पर आपको 8GB 128GB 256GB तक आप इस मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो। अगर बात कर लो यहाँ पर कैमराज की तो 48 MP 8 MP+2 MP का कैमरा देखने को मिलता है, 16 MP का फ्रंट कैमरा, और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, 194 ग्राम का ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। थिकनेस की बात करो तो 9.10 mm की थिकनेस देखने को मिलती है स्मार्टफोन के अंदर, और ये वाला स्मार्टफोन आपको 17,000 की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है पंच होल डिस्प्ले के साथ में। अब बात कर लेता हूँ फोर्थ स्मार्टफोन की, जहाँ पर आपको Realme 8 देखने को मिलता है, और ये भी आपको 6.5 इंच के फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में स्क्रीन देखने को मिलती है, MediaTek का Dimensity 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, एक मतलब एंट्री लेवल प्रोसेसर लगा लो आप फिलहाल के टाइम में MediaTek का जो 5G के साथ में आ रहा है फिलहाल, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 के साथ में ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 2.0 रियलमी का यहाँ पे वर्जन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर 464 और 1000 GB तक आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। 48+2+2 MP दो मेगापिक्सल के कैमरा चिपका दिए गए हैं रियलमी की तरफ से, और ये आपको 16 MP फ्रंट शूटर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 185 ग्राम का ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 8.5 mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलता है, और इसकी जो प्राइस की स्टार्टिंग है यहाँ पर ये वाला स्मार्टफोन होगा 15,000 की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है पंच होल डिस्प्ले के साथ में। अगर हम बात करूँ यहाँ पर फिफ्थ स्मार्टफोन की तो यहाँ ओप्पो का A53s वाला स्मार्टफोन, यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिफेक्ट देखने को मिलता है स्मार्टफोन, जहाँ पर आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, और वही डायमेंसिटी का 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, 464 होगी 1000 GB तक आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो, 13+2+2 MP के कैमराज और 8 MP फ्रंट कैमरा और 5000 mAh की बैटरी, और ये वाला स्मार्टफोन आपको 189 ग्राम का देखने को मिलेगा, और 8.40 की थिकनेस देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर, ऑलमोस्ट 15,000 की प्राइस रेंज होगी स्मार्टफोन की, और इसके अंदर
पंच होल डिस्प्ले नहीं, इसके अंदर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है। और यहाँ पर मैं कुछ अलग से स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो सबसे पहले बता दूँ आपको, इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी स्मार्टफोन्स में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब 5G स्मार्टफोन ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर 5G टेक्नोलॉजी चाहिए तो यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, बिकॉज प्राइस कम देने के, क्योंकि प्राइस कम हो जाता है अगर AMOLED स्क्रीन देंगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर विद LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। और सभी स्मार्टफोन्स में USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 सभी स्मार्टफोन में बहुत जल्दी आ जाएगा, कुछ के अंदर है और कुछ के अंदर नहीं है, तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा सभी स्मार्टफोन्स के अंदर। और यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो सभी स्मार्टफोन्स की चार्जिंग स्पीड की बात कर लो तो किसी में 33 वोल्ट, किसी में 18 वोल्ट, किसी में 20 वोल्ट। और यहाँ पर जैसे कि मोटो G5G के अंदर 20 वोल्ट एंड ओप्पो A53 के एस के अंदर आपको 18 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं लगभग समय में 33 और 30 वोल्ट के चार्जर्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स की, यहाँ पर ओप्पो के एक दो स्मार्टफोन्स और हैं जहाँ पर नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, जैसे कि A74, A54 ये वाले स्मार्टफोन थे। कुछ खास स्पेक्स देखने को नहीं मिलती स्मार्टफोन्स के साथ में, बट फिर भी आप इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ सैमसंग के स्मार्टफोन्स की, सैमसंग वाला जो A22 है वो भी HD+ डिस्प्ले के साथ में आना है, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। Dimensity 700 के साथ में देखने को मिलेगा, उसका प्राइस भी लगभग 15,000 से 16,000 समथिंग रहने वाला है। अगर आप सैमसंग का वेट कर रहे हो तो ये वाले स्मार्टफोन ले सकते हो, बट अगर आपको एक हाई स्पेक्स वाले स्मार्टफोन चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको स्मार्टफोन के साथ में, बट एक बेटर डिस्प्ले चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, तो थोड़ा पैसा बजट बढ़ाना पड़ेगा। और 5G स्मार्टफोन चाहिए तो और ऊपर जा सकते हो 20,000 से, उसकी भी लिस्ट में आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो ये था इस वीडियो के अंदर, और आपको कौन सा स्मार्टफोन चाहिए या फिर आप कौन से अपकमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो जो 5G के साथ में लैस, और काफ़ी सारे स्मार्टफोन अभी और भी आने वाले हैं जो कि Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo, Vivo इन सभी के साथ में देखने को मिलेंगे कम प्राइस में, शायद से Realme का डिजो वाले स्मार्टफोन्स भी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल और बहुत 5G के साथ में कंपेटेबल हो। तो यहाँ पोको के स्मार्टफोन भी काफ़ी सारे आने वाले हैं 5G के साथ में, तो उनका भी क्योंकि पोको का M3 Pro 5G देखने को मिलेगा काफ़ी जल्दी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रीब्रांड होकर के आने वाला है Redmi Note 10 5G, वो पोको की ब्रांडिंग के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसका भी वेट करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। तो आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में आपका कौन सा स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो 5G के साथ में, या फिर आपने ले लिया है, या फिर कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो आप इनमें से, या फिर अलग से कोई रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।